हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। वट सावित्री व्रत 2018 शुभ मुहूर्त, कथा, पूजा विधि और महत्व। वट सावित्री व्रत कई महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। शास्त्रों में इस व्रत का महत्व बहुत अधिक है। वट सावित्री व्रत अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए रखा जाने वाला व्रत है। इस व्रत को सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और संतान की कुशलता के लिए रखती है। ये व्रत हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को रखा जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 15 मई 2018 मंगलवार के दिन है। इस व्रत को लड़कियां और सुहागने सभी रख सकते हैं। शास्त्रों में इस व्रत की बड़ी मान्यता है। आज हम आपको बताएंगे कि वट सावित्री व्रत की पूजा किस तरह की जाती है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं वट सावित्री व्रत के पूजन विधि और महत्व के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त की। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन आता है। इस दिन सभी सुहागन महिलाएं वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूरी श्रद्धा से पूजा आराधना करती हैं। साल 2018 में वट सावित्री व्रत 15 मई मंगलवार के दिन रखा जाएगा। अमावस्या तिथि 14 मई सोमवार को 19:46 से शुरू हो जाएगी और 15 मई बुधवार को 17:17 पर समाप्त होगी। वट सावित्री व्रत पूजा विधि। व्रत के दिन सुबह स्नान करके 16 श्रृंगार के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा की थाल तैयार करनी चाहिए, जिसमें गुड़, भीगे हुए चने, मिठाई, कुमकुम, रोली, मौली, अक्षत, फल फूल आदि पूजा से संबंधित सभी सामग्री होनी चाहिए। वट वृक्ष को जल का अर्घ देकर प्रसाद चढ़ाकर धूप दीप जलाना चाहिए। इसके बाद मौली या फिर कच्चे धागे को हल्दी में रंगकर 3, 5 या फिर 7 बार वट वृक्ष की परिक्रमा कर लपेटना चाहिए और पति की लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। घर आकर शाम के समय व्रत कथा पढ़नी चाहिए और अंत में अपने पति का आशीर्वाद लेकर व्रत खोलना चाहिए। वट सावित्री व्रत का महत्व। वट सावित्री व्रत प्रत्येक सुहागन महिला के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस पावन दिन महिलाएं अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। मान्यता है कि इस दिन सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी, इसीलिए इस दिन को वट सावित्री व्रत के रूप में मनाया जाता है और पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है। ऐसी मान्यता भी है कि इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा का खास महत्व होता है। बरगद के पेड़ पर लटकी शाखाओं को देवी सावित्री का रूप ही माना जाता है, इसीलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा करने का विधान है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हों तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।